सो गाइस दैट्स इट। तो आज हमारे पास आ चुका है पिक पैक की तरफ से आने वाली ये साउंड बार PPBT 1118। हाँ, काफी अजीब सा नाम है, लेकिन खैर छोड़ो। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसा है ये साउंड बार और कैसी है इसकी साउंड क्वालिटी, और ये भी बताऊंगा कि क्या आपको अंडर 1000 ये साउंड बार लेना चाहिए या फिर नहीं, और अगर नहीं लेना चाहिए तो अंडर 1000 कौन सा साउंड बार बढ़िया रहेगा वो भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर दिया तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए गए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके अनबॉक्सिंग से। तो गाइस सबसे पहले तो हमें साउंड बार का कुछ इस टाइप का बॉक्स देखने को मिलता है, और जैसे हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं ना, हमें सामने ये USB 2 माइक्रो USB केबल देखने को मिलती है, और इसी के साथ इस पॉलिथीन में लिपटा हुआ हमें ये साउंड बार देखने को मिलता है। एंड दैट्स इट गाइस, उसके अलावा हमें और कुछ नहीं मिलता इस बॉक्स के अंदर। सच में काफी क्विक अनबॉक्सिंग थी। तो चलिए सीधा इस साउंड बार के बारे में बात करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात करूं ना, फ्रंट में हमें ये मेटालिक ग्रिल देखने को मिलती है जो कि हमारे पास ग्रे कलर में अवेलेबल है, और इसी का ब्लैक कलर वाला वेरिएंट भी आता है, और इसी ग्रिल के बीच में हमें ये चमचमाती हुई पिक पैक की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, और ऊपर की साइड हमें कुछ बटन्स देखने को मिलते हैं जैसे प्ले पॉज के लिए, वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए, और मोड को चेंज करने के लिए, और टॉप में हमें फोन या टैबलेट के लिए स्टैंड भी दिया हुआ है जो कि गाइस मुझे तो काफी यूजफुल लगा। इसके अंदर आप सिर्फ फोन ही नहीं टैबलेट भी रख सकते हो, क्योंकि ये काफी लंबी जगह है तो इसके अंदर टैबलेट भी आराम से आ जाएगा। और इसके बैक साइड में हमें कुछ पोर्ट्स देखने को मिलते हैं जैसे कि ऑक्स पोर्ट, USB पोर्ट, मेमोरी कार्ड स्लॉट, चार्जिंग पोर्ट, माइक ग्रिल और ऑन ऑफ स्विच, और बैक साइड में हमें ये डिजाइन भी देखने को मिलता है, और बॉटम में हमें ये दो रबर टिप्स देखने को मिलती है जिससे आपका साउंड बार ज्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं। और अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ ना, तो ये पूरा स्पीकर प्लास्टिक से बनाया हुआ है, हमें सिर्फ इसके अंदर ये मेटेलिक ग्रिल देखने को मिलती है, और जिस प्राइस पॉइंट पे ये आता है ना, उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक ही बोलूंगा। ऐसा कुछ ज्यादा खास भी नहीं है और ज्यादा कुछ खराब भी नहीं है, एकदम ठीक ठाक ही है। और गाइस इसके सामने जो मेटेलिक ग्रिल है ना, इसी के पीछे हमें 2 5 फुट के स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, और हमें इन्हीं तो स्पीकर्स के साइड में ये दो छोटे होल्स देखने को मिलते हैं एयर इनटेक और आउटटेक के लिए। बेसिकली ये होल्स बेस को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं और डीप साउंड प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। और हाँ गाइस आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमें इस साउंड बार के अंदर सिस्मिक मेम्ब्रेन नहीं मिलता। जी हाँ, अगर आपको सिस्मिक मेम्ब्रेन के बारे में नहीं पता ना, तो कुछ इस टाइप का होता है सिस्मिक मेम्ब्रेन, और ये हमें लगभग सभी स्पीकर्स और सभी साउंड बार के अंदर देखने को मिलता है। भले थोड़ा सा छोटा हो लेकिन हाँ प्रेजेंट जरूर होता है, लेकिन वही हमें इस साउंड बार के अंदर देखने को नहीं मिलता। और बेसिकली सिस्मिक मेम्ब्रेन बेस को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है, और वही हमें इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। हाँ, हमें इसके अंदर ये दो छोटे छोटे होल्स देखने को मिलते हैं जिससे कि बेस इंक्रीज होता है, लेकिन जितना बेस सिस्मिक मेम्ब्रेन से आता है ना, उस लेवल का बेस हमें इन होल्स से नहीं मिल सकता। तो अगर आप ये साउंड बार खरीदते हो ना, तो आपको बेस थोड़ी बहुत कमी महसूस होगी। तो गाइस अब अगर मैं इसके फीचर्स और कनेक्टिविटी की बात करूँ ना, तो सबसे पहले तो हमें इसके बॉक्स के अंदर या फिर कहीं पे भी ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि हमें इसके अंदर कौन सा ब्लूटूथ का वर्जन देखने को मिलता है, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पे ये आता है ना, मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ कि हमें इसके अंदर ब्लूटूथ 5.0 का वर्जन मिलेगा। और तो हमें साउंड बार के अंदर FM रेडियो भी मिलता है और TWS का भी सपोर्ट मिलता है, जिसका मतलब है कि अगर आप इसके जैसे एक और स्पीकर ले आओगे ना, तो आप उन दोनों स्पीकर्स को कनेक्ट करके एक साथ गाने बजा सकते हो दोनों स्पीकर में, तो इससे जो सराउंड साउंड एक्सपीरियंस होता है ना, वो आप कर पाएंगे। और हाँ, आपको एक चीज तो बताना भूल ही गया कि हमें इसके अंदर 2.0 चैनल देखने को मिलता है। और अगर मैं इसके साउंड क्वालिटी की बात करूँ ना, तो नहीं, पहले आप इसकी साउंड क्वालिटी सुन लीजिए। आपने इसकी साउंड क्वालिटी तो सुनी ली है, लेकिन साउंड क्वालिटी पे बात करने से पहले मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। फिलहाल तो ये साउंड बार हमें ऑनलाइन वगैरह देखने को नहीं मिलता, तो ऑफलाइन मार्केट में आपको ये साउंड बार लगभग 600 के आसपास का मिल जाएगा। और जहां तक बात है इसकी साउंड क्वालिटी की, तो आपको शायद वीडियो में इतना ना पता चला हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसका जो ट्रेबल और वोकल्स है ना, वो हमें ठीक ठाक ही देखने को मिलता है। ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वगैरह तो नहीं है, बल्कि इसका जो ट्रेबल और बेस है ना, उसके अंदर हमें क्लैरिटी की कमी देखने को मिलती है। और वो क्यों मिलती है वो मैं आप
भी आपको आगे बताता हूँ। और अगर इसके बेस की बात कर लेना तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो हाँ इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से नॉर्मली बेस मिलता है हमें। और अब अगर मैं आपको इस साउंड बार की मेन प्रॉब्लम के बारे में बताऊँ ना, तो आपको शायद वीडियो में ना पता चला हो, लेकिन जब भी हम इस साउंड बार में वॉल्यूम फुल करके गाने बजाते हैं ना, हमें म्यूजिक के पीछे ऐसे थोड़ी सी अलग से आवाज देखने को मिलती है, जैसे एकदम कॉन्स्टेंटली आवाज नहीं आती, वो हमें देखने को मिलती है। और उसकी अगर मैं वजह बताऊँ ना, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें इसके अंदर कोई सिस्मिक मेम्ब्रेन वगैरह देखने को नहीं मिलता बेस वगैरह बढ़ाने के लिए, तो उसी के लिए स्पीकर्स के जो मेम्ब्रेन होते हैं ना, कोई ऐसे ट्यून करा जाता है कि वो ज्यादा वाइब्रेट करे, जिससे कि ज्यादा बेस प्रोड्यूस हो, लेकिन उसमें साउंड की क्लैरिटी वगैरह सब डिक्रीज हो जाती है। और गाइस अगर मैं आपको इसका कंक्लूजन बताऊँ ना, तो अगर आप बजट में काफी टाइट हो और आपका बजट सिर्फ 600-700 रुपए का ही है, तब जाके आप इसको कंसिडर कर सकते हो। और अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ ना, तो आप 200-300 रुपए और ऐड करके इससे भी बढ़िया साउंड बार खरीद सकते हैं। जैसे कि आप पोट्रोटेक्स का फ्यूजन वेव भी देख सकते हैं, जिसके अंदर हमें 16 वाट का आउटपुट देखने को मिलता है और 19 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिलता है, जो कि हमें अमेजोन पर लगभग 900 का देखने को मिलता है। और वहीं पे हमें पीट्रॉन से एक और बेटर ब्रांड ज़ेप्रोनिक्स की तरफ से एक और साउंड बार देखने को मिलता है, जो कि है ज़ेप्रोनिक्स ज़ेब एस्ट्रा 20, जिसके अंदर हमें टोटल 10 वाट का आउटपुट देखने को मिलता है और लगभग 10 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, क्योंकि एक बेटर ब्रांड है, तो इसके अंदर हमें थोड़ी साउंड क्वालिटी बेटर देखने को मिल सकती है। और हाँ, इसका प्राइस भी लगभग 900 रुपए ही है। और गाइस अगर आप 1000 से भी 200-300 रुपए और ऊपर जा सको ना, तब तो आपको और भी काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि बोट वांटे बार 490 ब्लूटूथ साउंड बार, वो भी काफी बढ़िया साउंड बार है। उसके अंदर हमें बोट का सिग्नेचर साउंड देखने को मिलता है और 10 वॉट का आउटपुट देखने को मिलता है और ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट मिलता है हमें उसके अंदर, और 7 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम मिलता है हमें उसके अंदर, जो कि हमें अमेज़न पे लगभग 1200 का देखने को मिलता है। और मैं आपको एक और साउंड बार रिकमेंड कर सकता हूं, जो कि है मीवी फोर्ट S16, जिसके अंदर हमें मैक्सिमम 16 वॉट का आउटपुट देखने को मिलता है और उसके अंदर हमें ब्लूटूथ वर्जन 5.1 देखने को मिलता है और 6 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिलता है। और बोट को तो आप जानते हैं कि इनके साउंड प्रोडक्ट्स काफी बढ़िया ही होते हैं। और जहां तक बात रही मीवी की, तो उसके भी मैंने 2-3 साउंड प्रोडक्ट्स देखे हैं, उनकी भी साउंड क्वालिटी काफी सही है। तो हाँ, अगर आप 1200-1300 का भी कोई साउंड बार खरीदना चाहते हैं ना, तो भी आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। और गाइस इन केस अगर आपको एक काफी बढ़िया वाला साउंड बार चाहिए ना अंडर 10,000, तो मैंने क्रिएटिव स्टेज V2 साउंड बार की अनबॉक्सिंग की हुई है, जिसके साथ सब वूफर भी आता है। उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में शो हो रही होगी, वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं। वो भी काफी तगड़ा साउंड बार है। खैर, वो तो थोड़ा कॉस्टली साउंड बार हो गया, लेकिन जो भी मैंने साउंड बार बताया है ना, उनमें से अगर आपको कोई भी साउंड बार खरीदना हो ना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप उन साउंड बार को खरीद सकते हैं। और जहां तक मैं कहूँ, अगर आप उन साउंड बार्स को खरीद सको, तो इसको अवॉइड ही कीजिएगा। अगर आपका बजट काफी ज्यादा टाइट है ना, तभी इसको कंसिडर कीजिएगा, वरना उसके अलावा हमें काफी सारे बेटर ऑप्शन मिलते हैं, जो कि मैंने आपको बताई दिए। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। होप सो आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपके ये वीडियो काम आई है ना, तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। और अगर आपका कोई फ्रेंड साउंड बार लेने की सोच रहा है ना, तो उसको ये वीडियो जरूर से शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पे न्यू है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी फिलहाल तो बाहर बारिश हो रही है, तो ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई, तो मैं तो एडिट करके सो रहा हूँ। सो गुड बाय।